हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड, ठंडियां तो आ ही चुकी हैं और ऊपर से शादियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड आई नो विंटर में मेकअप करना, स्टाइल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आपको स्टाइलिश भी दिखना होता है, साथ ही आपको ठंड से बचना होता है, और इस ईयर तो और भी आपको मास्क भी वियर करना है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर वेडिंग हैक्स, और स्पेशली इस कोविड की सिचुएशन में ना, कोरोना काल में ये हैक्स आपके बहुत ही काम में आएंगे। एंड आई एम श्योर आपको ये हैक्स पसंद भी आएंगे। तो पता है ना क्या करना, अगर हैक्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करना। एंड हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो नाउ लेट्स मूव टू हैक्स। अब वेडिंग में जाना है तो मेकअप तो करना बनता ही है, पर विंटर में कई सारे मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करने से ना हमारी स्किन बहुत ही ड्राई फील होने लगती है। तो इससे बचने के लिए ना, आप मेकअप करने से पहले कोई भी फेशियल ऑयल लगाइए, इसे अच्छे से मसाज दीजिए, उसके बाद आप मेकअप करिए। इससे आपकी स्किन ड्राई भी नहीं फील होगी, साथ ही आपका मेकअप काफी ग्लोई एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो ये हैक्स जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए, कोविड की सिचुएशन है, आपको चाहे कोई भी पार्टी अटेंड करनी है, पर मास्क वियर करना तो नेसेसरी है। पर आप मेकअप की कई सारी लेयर और हैवी मेकअप करके जाएंगे ना, तो यही होगा, सारा मेकअप आपके फेस पे लगने के बजाय सारा आपके मास्क पे लग जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा हैक्स बता रही हूँ, नो फाउंडेशन मेकअप लुक। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा बेस कैसे तैयार करें जो आपके फेस पे टिका रहे, आपके मास्क में ना लगे। तो सबसे पहले आप कोई भी अच्छे क्वालिटी का प्राइमर लगा लीजिए। अब आप कहेंगे कि फाउंडेशन लगाना नहीं है तो प्राइमर क्यों लगाएं? प्राइमर लगाने से क्या होगा ना, आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स होंगे ना, वो ब्लर आउट हो जाएंगे और आपकी स्किन एक स्मूथ सर्फेस बन जाएगी। देन आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले लीजिए और उसमें बहुत ही जरा सा आप बीबी क्रीम मिला लीजिए। थोड़ी सी बीबी क्रीम मैंने इसलिए मिलाया ना, ताकि आपके फेस पे, स्किन पे कोई भी डार्क स्पॉट है या कोई भी किसी तरह के मार्क्स है, वो सब हाइड हो जाए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद अपने फिंगर के हेल्प से ही इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। आपको किसी भी मेकअप टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके फिंगर के हेल्प से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। देन एट लास्ट इस बेस को आप लूज पाउडर से सेट कर लीजिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मेरी तरह, अगर ड्राई है तो लूज पाउडर की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये तैयार हो गया आपका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बेस। इसके बाद आप कोई भी मेकअप कर लीजिए और कितना भी मास्क अप्लाई कर लीजिए, आपका मेकअप बिल्कुल भी मास्क पे नहीं लगेगा, काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो देखा ना कितना यूजफुल ये हैक्स है, अगर आपको भी कोई वेडिंग अटेंड करनी है तो ये हैक्स जरूर ट्राई करना। अब विंटर में कोई भी पार्टी अटेंड करनी है ना, तो हमेशा फुल स्लीव के आउटफिट ही चूज करें, ताकि आपको ठंड भी ना लगे और उसे थोड़े से अच्छे से एक्सेसराइज कर लेंगी ना, तो आप स्टाइलिश भी दिखेंगे। तो हमेशा फुल स्लीव के आउटफिट ही विंटर में चूज करें। भाई विंटर हो या समर, स्टाइलिश तो हमें दिखना ही रहता है, पर कहीं स्टाइलिश दिखने के चक्कर में हमें ठंड ना लग जाए, तो इसके लिए ये मजेदार हैक्स आपके बहुत ही कम आएगा। आप जो भी आउटफिट पहन रही है ना, उसमें मैचिंग दुपट्टा लेने की जगह आप मैचिंग स्टोल लीजिए या कोई कंट्रास्ट भी क्रिएट कर सकती हैं। इससे आप स्टाइलिश तो दिखेंगी, साथ ही जब आपको बहुत ही ठंड लगेगी ना, तो इस स्टोल को आप रैप करके ठंड से बच भी सकती हैं। आप वेलवेट के जो स्टोल आते हैं वो भी ट्राई कर सकती हैं, वो भी आपको ठंड से बचाएगा एंड एट द सेम टाइम आपको स्टाइलिश भी दिखाएगा। अब वेडिंग हैक्स की बात हो रही है और आई मेकअप की बात ना हो तो ये तो थोड़ी सी ना इंसाफी हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल सा क्विक सा आई मेकअप। ये मैंने वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट लिया है और ये दो कलर को मैंने एक फ्लफी ब्रश पे ले लिया है एंड जस्ट उसे अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस करूंगी एंड देन उसे ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर तक ले आऊंगी। पूरे अपने क्रीज को इससे मैं डिफाइन करूंगी। आपको जितना डार्क कलर चाहिए उतना आप प्लेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं ब्लेंड करते हुए अपने क्रीज को डिफाइन करूंगी। देन मैं ये ग्रीन कलर का ग्लिटरी कलर चूज करूंगी, क्योंकि मेरे ड्रेस में थोड़ा सा ग्रीन कलर है। आप अपने आउटफिट से मैचिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हो। इसे जस्ट मैं अपने आईलिड पर प्लेस करूंगी और हल्का हल्का इसे ब्लेंड करूंगी कुछ इस तरह से। और आपको जितना कलर चाहिए आप उस हिसाब से कलर को प्लेस कर सकते हैं और कुछ इस तरह से आप उसे ब्लेंड कर सकते हो। तो लीजिए फटाफट आपका क्विक सा आई मेकअप रेडी हो गया। देखा कितना ईजी था इस आई लुक को क्रिएट करना। इसके बाद आप आईलाइनर लगा लीजिए, मस्कारा लगा लीजिए, अगर आपको फॉल्सेस अप्लाई करना है तो वो भी अप्लाई कर लीजिए एंड काजल अप्लाई कर लीजिए। एंड हाँ, अपने लोअर लैश लाइन को ना स्मच करना बिल्कुल मत भूलना। मैंने जो ब्राउन कलर से क्रीज को डिफाइन किया था ना, उसी से मैं अपने लोअर लैश लाइन को भी स्मच करूंगी, ताकि मेरी आईज थोड़ी सी स्मोकी इफेक्ट दें। अब इतना कुछ कर ही लिया तो आईज को हाईलाइट भी कर लेना, क्योंकि उसके बिना ना तो आईज थोड़ी सी अधूरी लगती हैं। तो अपने आईज को हाईलाइट कर लेना और उसके बाद तो सब आपकी आंखें देखते रह जाएंगे।
अब मास्क में सिर्फ आपका मेकअप ही नहीं लग जाता है, जो आपने लिप्स पे लिपस्टिक भी अप्लाई की रहती ना वो भी पूरा आपके मास्क पर लग जाता है और आपके पूरे लिपस्टिक का कलर फेड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए भी मेरे पास एक मजेदार हैक्स है। सबसे पहले आप ना लिपस्टिक की एक कोट अप्लाई कर लीजिए, जो भी आपको लिपस्टिक अप्लाई करनी है उसकी एक कोट अप्लाई कर लीजिए। अब अपने लिप्स पे टिश्यू पेपर रखिए और इसे लूज पाउडर से कुछ इस तरह से सेट कर लीजिए। लूज पाउडर से आप अपने लिपस्टिक को सेट कर लीजिए ताकि आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी मैट हो जाए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। देन आप अपनी लिपस्टिक की सेकंड कोट अप्लाई कीजिए। सेकंड कोट अप्लाई करने के बाद आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और उसे अपने लिप्स के बीच में कुछ सेकंड के लिए इस तरह रखिए। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक होगी ना वो इस टिश्यू पेपर पे निकल आएगी। उसके बाद आप मास्क अप्लाई कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आपकी लिपस्टिक नहीं रिमूव होगी। तो देखा ना कितना मजेदार हैक्स था। आप मास्क अप्लाई करके भी देख सकते हो और कितने देर तक भी आप रहेंगी ना आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगी। विंटर में आप कोशिश किया करिए ना कि खुले बालों की हेयर स्टाइल ही किया करिए, ताकि आपको ठंड भी ना लगे और आप स्टाइलिश भी दिखे। मैं आपको एक सिंपल सा खुले बालों वाला हेयर स्टाइल भी बता रही हूँ। आप साइड या मिडिल में से अपने हेयर की पार्टीशन कीजिए, देन फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से हेयर को पिकअप कीजिए, उसे ट्विस्ट कीजिए एंड पीछे ले जाके टिक टैक पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। अब सेम प्रोसेस आपको दोबारा करना है। जस्ट नीचे से थोड़े से बाल को पिकअप कीजिए, उसे ट्विस्ट कीजिए एंड पीछे ले जाके टिक टैक पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। ये प्रोसेस आप दोनों साइड भी कर सकती हैं या सिर्फ एक साइड करके एक साइड ऐसे ही अपने हेयर को खुला छोड़ सकती हैं, या आप चाहें तो यही प्रोसेस आप दूसरे साइड भी कर सकती हैं। देखिए विंटर में अगर आप जूड़ा बना लेंगी या कोई बंधे बालों की हेयर स्टाइल करेंगी ना, तो उससे आपको ठंड लगने का खतरा रहेगा। तो आप कुछ इस तरह की हेयर स्टाइल कीजिए। मैंने यही सेम प्रोसेस अदर साइड भी किया। आप चाहे तो अपने सिंपल खुले बाल भी रख सकती है। बस आप ये कीजिएगा कि जो रेगुलर आप पार्टीशन अपने हेयर में करती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टीशन करिएगा, जिससे आपके हेयर थोड़े से बाउंसी दिखें और वो काफ़ी स्टाइलिश दिखें। अब फ्रंट साइड से बालों को थोड़ा सा पुल अप कर लीजिए, थोड़ा सा उनको वॉल्यूम दे दीजिए और विद इन 1 मिनट में आपका ये बहुत ही सिंपल सा बट स्टाइलिश हेयर स्टाइल बनके रेडी हो गया। अब इस सिचुएशन में मास्क पहनना तो जरूरी है, पर अगर आपका आउटफिट किसी और कलर का, मास्क किसी और कलर का, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब भी अपना आउटफिट स्टिच करवा रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो कपड़ा बचता ही है, चाहे आप ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं या कोई सूट, तो टेलर से कह के ना एक मैचिंग का मास्क भी स्टिच करवा लीजिए, जिससे आप स्टाइलिश भी दिखेंगे। एंड एट द लास्ट, विंटर में आप ऐसे आउटफिट चूज करें ना जो थोड़े मोटे फैब्रिक का हो, ताकि आपको ठंड ना लगे। लाइक आप वेलवेट का फैब्रिक चूज कर सकते हैं, सिल्क का मटेरियल चूज कर सकते हैं या पश्मीना का, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। सो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से सबसे अच्छा हैक्स कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सबके साथ शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल पर नया है तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय बाय।